वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे ने क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा सुमित शुक्ला के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कुमार राय और पुलिस टीम द्वारा शादी विवाह व पार्टी में से चोरी होने वाली 6 मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसका गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार में पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे द्वारा खुलासा किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक उत्तरी अरविंद पांडे ने कहा, और ये जो है उसके भाई से जेल में मिला था, जाके बुलंदशहर में लूट कर लिया। मतलब वो जेल एक ऐसी प्लेस है जहाँ की पाठशाला उस मामले में ये बता रहा है पिछले अक्टूबर में जेल से छूट कैंट से महाराजगंज से मतलब अपने गोरखपुर में भी गढ़ा और कैंट से मुकदमे है कुशीनगर में पूरा कलम ये 2 चोर हैं और एक चोर जो है काफ़ी शातिर किस्म का है। शातिर क्या है, ये जो है 2014 में घटना हुई थी बुलंदशहर शहर में 12 किलो सोना जो है लूटा गया था 2014 में। उसमें जो है तत्कालीन समय में जो मुख्य अपराधी थे उन पर 50,000 का इनाम भी घोषित हुआ था, तो इसके द्वारा उसी गैंग के साथ मिल के वारदात की गई थी। और वर्तमान में इन लोगों द्वारा जो है 6 मोटरसाइकिल रिकवर हुई है और ये दूर दूर की चोरियां खुली हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, बुलंदशहर, कुशीनगर, और 6 मोटरसाइकिलें बरामद हैं, 1 तमंचा बरामद है। इसके अलावा एक डिवाइस जो आप लोग देख रहे हैं कि किसी भी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़ने के लिए जो है प्रयोग करते थे। अच्छा खासा गिरोह है और इसमें जो विनोद पासवान नाम का अपराधी है, आश्चर्यजनक बात यह है कि 5 साल जो है बुलंदशहर वाली लूट की घटना में जेल काटा, अभी पिछले अक्टूबर में ही छूट गया था और ये फिर अपनी कारगुजारियों पे चालू हो गया और इसको फिर हमारे थाना चौरी चौरा की पुलिस द्वारा पकड़ा गया। ये जो मास्टर की जो आप लोगों के सामने रखी है, ये जो है मोटरसाइकिलों का ताला तोड़ के उसको जो है चोरी करते थे। गाड़ी ये मुख्य रूप से जो है देहात एरिया में बेचते हैं जहाँ जो है ज़्यादा पूछताछ नहीं होती, और नेपाल में भी जो है नेपाल में अभी भी चूँकि जो है ये बॉर्डर का जनपद है, बॉर्डर के नज़दीक है, तो मोबाइल, पुरानी करेंसी, गाड़ियाँ एक ट्रेंड है, काफ़ी सारा जो है नेपाल में खपा दिया जाता है।